नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायकों में पड़ी भयंकर फूट, मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ की गुप्त मीटिंग। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर उठे सवाल, विपक्ष ने बोला जोरदार हमला। खबर आगे विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिलाओं ने साफ कहा कि वह कोरोना से मरना पसंद करेंगी पर काले कानून से नहीं। खबर आगे विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, एक और राज्य में सीएए एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है पास। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आगे जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। शाहीन बाग धरने पर बैठी महिलाएं बोली, कोरोना वायरस से नहीं बल्कि सीएए एनआरसी और एनपीआर से लगता है डर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, देश भर में कोरोना वायरस को लेकर के तमाम उपायों के बीच शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 31 मार्च तक 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जबकि शाहीनबाग में धरने पर बैठी महिलाओं का साफ कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस से नहीं बल्कि सीएए एनआरसी और एनपीआर से डर लगता है। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने कहा कि हमें मरना होगा तो हम घर में बैठने पर भी मर जाएंगे, हमें यहाँ बैठने का कोई भी शौक नहीं है, सरकार सीएए वापस ले लेगी तो हम धरने से उठ जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें, प्रदर्शनकारी महिलाओं ने साफ कहा है कि वह कोरोना से मरना पसंद करेंगी पर काले कानून से नहीं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री से कोरोना वायरस को लेकर के सरकार की घोषणा के शाहीनबाग में भी लागू होने से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से सभी को खतरा है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर देख सकते हैं कि महिलाओं का साफ कहना है, जो धरना प्रदर्शन में बैठी हैं शांतिपूर्ण तरीके से शाहीनबाग में, उनका साफ कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस से नहीं बल्कि सीएए एनआरसी और एनपीआर से लगता है डर। जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है तब तक वो अपना प्रदर्शन रखेंगी जारी। दोस्तों यहां पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि आप लोग शाहीनबाग की महिलाओं की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री कमलनाथ, कहा हमारे पास बहुमत तो कैसा फ्लोर टेस्ट। जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर अब राज्यपाल लालजी टंडन और कमलनाथ सरकार आमने सामने आ गई है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट टाले जाने के बाद एमपी सरकार को पत्र लिखकर अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ रात को राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। गवर्नर से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि हमारे पास संख्या बल मौजूद है, जिसे संदेह है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि मैंने राज्यपाल को बजट सत्र के शुरुआती दिन उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया, आज हम बहुमत में हैं इसलिए शक्ति परीक्षण कराने का सवाल पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो यह दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो उन्हें मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और शक्ति परीक्षण कराना चाहिए। कमलनाथ ने राज्यपाल से लगभग आधे घंटे तक मुलाकात की है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने निकल के आई है, जहां पर फ्लोर टेस्ट को लेकर के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ आ गए हैं आमने सामने, और मुख्यमंत्री कमलनाथ का साफ कहना है यहां पर कि हमारे पास बहुमत है तो कैसा फ्लोर टेस्ट। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर उठे सवाल, विपक्ष ने बोला जोरदार हमला। जी हां दोस्तों आप लोगों को बता दें,
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया है। आप लोगों को दोस्तों बता दें, रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को लेकर के विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, क्या यह इनाम है? लोगों को जजों की स्वतंत्रता में यकीन कैसे रहेगा? कई सवाल हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बता दें, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर दो खबरें शेयर करते हुए यह टिप्पणी की है। उन्होंने जो खबरें शेयर की है उनमें से एक में गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की है और दूसरी में कहा गया है कि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सुरजेवाला ने ये खबरें शेयर करते हुए कहा, तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। रणदीप सुरजेवाला ने गोगोई का नाम लिए बगैर ट्वीट किया है, नमो संदेश, या तो राज्यपाल चेयरमैन और राज्यसभा, वरना तबादले झेलो या इस्तीफे देकर घर जाओ। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है, जजों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई पद दिए जाने पर पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के पुराने बयान पर गौर किया जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा सीट की पेशकश को ठुकरा देंगे, अन्यथा वह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर। यहां पर उठे हैं सवाल। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायकों में पड़ी भयंकर फूट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, शिवराज सिंह के साथ राजभवन नहीं गए बीजेपी विधायक कमलनाथ के साथ की मीटिंग। आप लोगों को दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश के सियासी संकट के बीच जहां एक तरफ बीजेपी के 106 विधायकों की राजभवन जाकर के राज्यपाल के सामने परेड कराई गई, वहीं पार्टी के एक विधायक ऐसे थे जो राजभवन नहीं गए लेकिन सीएम कमलनाथ से उन्होंने जरूर मुलाकात की। महर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी भोपाल में थे। विधानसभा सत्र 26 मार्च तक स्थगित होने के बाद विधायक नारायण त्रिपाठी बाहर तो निकले लेकिन पार्टी विधायकों के साथ राजभवन नहीं गए। वो यहां से निकलकर सीएम हाउस पहुंचे और कमलनाथ के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से सामने निकल के आई है। आइए एक और लेटेस्ट अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। CAA और NRC के खिलाफ तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। सीएम चंद्रशेखर बोले, फिर विचार करे केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, तेलंगाना विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA, NPR और NRC के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में कहा है कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को एक बार फिर से CAA पर विचार करना चाहिए। विधानसभा ने प्रस्ताव में केंद्र से भारत में लोगों के एक हिस्से में आशंका के मद्देनजर संशोधित नागरिकता कानून से किसी भी धर्म या अन्य देश का उल्लेख हटाते हुए उसमें संशोधन करने की अपील की है। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें, सीएम के चंद्रशेखर राव द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया कि सदस्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के प्रस्तावित क्रियान्वयन को लेकर के चिंतित हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं। प्रस्ताव में तेलंगाना सरकार से राज्य के लोगों को NPR और NRC जैसे कार्यक्रमों से सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील भी की गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक और राज्य ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ विधानसभा में पास किया है प्रस्ताव और यहां पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बोले हैं कि एक बार फिर से विचार करे केंद्र की मोदी सरकार। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं। अपनी राय जरूर बताइए। आइए दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट जानते हैं।
राजस्थान सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल कर सीएए रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके सीएए को रद्द करने की मांग की गई है। राजस्थान सरकार के सरकारी वकील मनीष सिंघवी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है और यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें, केरल सरकार भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर राजस्थान से सामने निकल के आई है, जहां पर गहलोत सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल करके सीएए रद्द करने की है मांग। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बता दें, कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए संसद सत्र को तुरंत रोकना चाहिए, पत्रकार के ट्वीट पर बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं लोग। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें क्या कुछ है पूरा मामला। एक पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा था कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहतियातन सब कुछ बंद किया जा रहा है, ये जनहित में है, इसलिए संसद के मौजूदा सत्र को भी तुरंत रोक देना चाहिए, उम्मीद है कि इस पर विचार होगा। उमा शंकर का ये ट्वीट सच साबित हो गया और यूजर्स बीजेपी को जमकर ट्रोल करने लगे। आप लोगों को दोस्तों बता दे, एक यूजर ने लिखा, संसद सत्र खुले में होना चाहिए, सभी भाजपा मंत्री गोबर का लेप और गौमूत्र का सेवन करके आए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनिश्चित काल के लिए देश में है फंसे। ये यहां पर तंज कसा गया है लोगों की तरफ से। तो वहीं दोस्तों एक अन्य यूजर की आप लोगों को प्रतिक्रिया भी बता दें, वैसे भी संसद चलाकर कौन सा देश का भला कर रहे हैं ये लोग, बंद करो और गाने दो गो कोरोना गो। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ये खबरें जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।